तो स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको स्प्लिट एसी कैसे उतारे। एसी उतारते समय हमें उसकी गैस स्टोर करनी पड़ती है। दोस्तों आपको पता ही होगा स्प्लिट एसी की जो गैस है वो पाइपों द्वारा रनिंग करती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गैस स्टोर करना पड़ता है। गैस स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें एसी ऑन करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारे पास जो एसी है डेकिन का, हम इसे आज उतारेंगे, इसकी रिमूविंग करेंगे। दोस्तों तो हमने इसे एसी को ऑन कर दिया। एसी ऑन करने के बाद हमें इसके आउटडोर यूनिट पे जाना है, क्योंकि आउटडोर यूनिट पे जाने के बाद ही हमारी एसी के गैस स्टोर होंगे। दोस्तों तो अब हम चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं इसके आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट पे दोस्तों हमें गैस स्टोर करने के लिए स्लाइडिंग की सहायता से हम सबसे पहले इसे ये नट्स को खोल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो नट लगे रहते हैं। इस नट्स को खोल लेंगे पहले। ये नट हमने खोल लिया दोस्तों। सबसे पहले हमें जो गैस, दोस्तों ये नट खोलने के बाद सबसे पहले हम एलंकी की सहायता से दोस्तों ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले इसको बंद कर देंगे। दोस्तों इसको बंद करने के बाद हमें फिर ये वाली बंद करनी है। जैसे ही ये बंद हो जाए दोस्तों, वैसे ही हमें आउटडोर यूनिट को बंद करना पड़ेगा। अगर आउटडोर यूनिट हमने सही समय पर बंद नहीं किया तो ब्लास्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इसको बंद करना है। दोस्तों ये हम इसे एलंकी की सहायता से घुमा रहे हैं। ये बंद होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एसी की आवाज भी बदल गई है। ये हमारा बंद हो रहा है। दोस्तों ये अच्छी तरीके से बंद हो गया है। अब साथ ही साथ हम यहाँ से तार काट देंगे ताकि एसी हमारी बंद हो जाए। मैंने इसकी यहाँ से तार काट दी है ताकि हमारा ये गैस स्टोर हो गया है। गैस स्टोर होगी अच्छी तरीके से। गैस स्टोर हो चुका है दोस्तों। अब हम एसी के ये नट को खोलेंगे, ये नट खोल लेंगे और ये हमारी एसी उतर जाएगी। और उससे पहले हम यहाँ पे जो है हमारा ये एलंकी निकाल लेते हैं और ये हम यहाँ से ये वाला नट खोल लेंगे। दोस्तों ये नट खोल के आप देख भी सकते हो हमारी गैस पूरी तरीके से स्टोर हो चुकी है। अगर गैस स्टोर नहीं होता दोस्तों तो यहाँ से गैस बाहर आने लगती है। दोस्तों ये गैस हमारी पूरी तरीके से स्टोर हो गई है, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी गैस बाहर नहीं आई है। दोस्तों ये नट भी हम खोल लेंगे, उसके बाद ये एसी उतार लेंगे। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं इंडोर कैसे ओपन करना है। दोस्तों तो दोस्तों हमने इसका गैस स्टोर कर दिया। अब हम इसके नट बोल्ट खोलेंगे दोस्तों, जो इसके नीचे लगे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे बने हुए होते हैं, जहाँ से आपको युद्ध दबाने पर इसके लॉक ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। दोस्तों इसके एक यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा कट बना हुआ है, दोनों साइड इसके कट बने रहते हैं ऐसे, एक इस तरफ भी कट बना हुआ है, मतलब यहाँ पे लॉक है इसके, ठीक है। दोस्तों ये लॉक है, यहाँ इन लॉकों के पास आपको अपना हाथ ले जाना है और उसके बाद इसको ओपन कर लेनी। दोस्तों देख सकते ये लॉक ओपन हो गया है। ये लॉक ओपन करने के बाद दोस्तों हमें प्लास की सहायता से एसी को रोक लेनी है यहीं पर। ये एसी रुक जाएगी दोस्तों। फिर यहाँ पे जो इसके टेप लगे हुए हैं, ये टेप हमें खोलना है, उसके बाद हम इसके नट बोल्ट खोलेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये ड्रेन पाइप निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पानी भरा हुआ है ड्रेन पाइप में। ये नट, ये जो टेपिंग लगी हुई है इस पाइप को पे, हमें वो ऐसे किसी टेस्टर या किसी चीज़ की सहायता से टेपिंग को फाड़ लेंगे। तो दोस्तों हमने ये इसके पाइप के पास के जो लगे होते हैं अपने स्लेब, उनको फाड़ लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो इनपुट सप्लाई है दोस्तों, हम इनपुट सप्लाई को कट कर लेंगे। इसकी इनपुट सप्लाई है। इसके बाद हम जो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को अटैच होती है उसको भी बताएंगे बाद में, लेकिन हम सबसे पहले इसको स्लाइड रिंच की सहायता से दोस्तों हम इसे इस तरीके से यूं पकड़ लेंगे। बहुत ही ईजी है एसी रिमूविंग का काम दोस्तों, आप खुद ही भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अपने नट खोल लेने दोस्तों, छोटा वाला खुल जाने के बाद।
ये हमारा छोटा वाला खुल गया दोस्तों। इसमें 16-17 की चाबी का इस्तेमाल किया है हमने। उसके बाद दोस्तों ये हमें बड़ी वाली चाबी, इस तरीके से हमें ये वाला भी नट खोल लेना दोस्तों। इसमें हमने 24-27 के नट का चाबी का इस्तेमाल किया दोस्तों। ये हमारी कंप्लीट एसी ओपन हो चुकी है दोस्तों। अब एसी उतारने के लिए हमें यहाँ पर ये अपना प्लास हटा लेना है। प्लास हटा के इसको ऐसे कर लेंगे। अब इनडोर से जो आउटडोर यूनिट को जो सप्लाई जाती है दोस्तों, हमने उसका तार भी निकाला, वो तार भी निकाल लेंगे यहाँ पर। नट पिचकस के साथ ऐसे नट खोल लेनी है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वाली हमारी इंडोर से आउटडोर यूनिट को जो सप्लाई जा रही है, ये वो वाली। खींच लेंगे पीछे की तरफ। इसका दोस्तों ये तो हमने कट कर दी थी, वो ये वाली तार है। ऐसे कुछ इस तरीके से हमें उठा लेनी है, यहाँ हाथ डालना है आपको और ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना दोस्तों। ऐसी हमारी उतर गई। आउटडोर यूनिट उतारना तो बहुत ईजी है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।